तो गाइस लगभग हाईवे से 8 किलोमीटर पैदल आने के बाद भाई मैं जाके पहुंचा हूँ श्री कृष्ण म्यूजियम के पास। और ये म्यूजियम है, ये भाई है ब्रह्मा सरोवर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं इमरान। गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और एक प्यारे से व्लॉग में। अभी भाई मैं था पंजाब के एक गांव में जिस गांव का नाम है ब्रास, और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं आपको लेकर आया था भाई अल्लाह के प्यारे नौ नबियों की कब्रें मुबारक दिखाने के लिए। सो अभी मैं उस गाँव से निकल रहा हूँ और आज मैं हरियाणा जाऊँगा। ये पंजाब का लास्ट दिन है भाई, पंजाब को अभी बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं हरियाणा में। हरियाणा में मैंने कुछ जगह सेलेक्ट किया है, मैं आपको वहाँ पर घुमाने वाला हूँ। अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं हाईवे पे, उसके बाद हाईवे से एंटर करेंगे भाई हरियाणा में। और व्लॉग में बने रहना गाइस, काफी ज्यादा मजा आएगा। सो चलते हैं भाई, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रात को मैं उसी गांव में रुका हुआ था, ब्रास गांव में। वहाँ पे भाई जहाँ पे मैं आपको घुमाने के लिए लेकर गया था, वहाँ पे मदरसा था, तो उसी मदरसे में मैं रुका हुआ था। और मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूँ क्योंकि आगे चल रही है भाई बैलगाड़ी। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, गांव में अभी भी यहाँ पे बैलगाड़ी चलती है। और ये वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछते हैं भाई, मतलब लोग कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसको मतलब आगे का हिस्सा ऊपर वाले ने बनाया और पीछे का हिस्सा इंसानों ने। तो ये है भाई बैलगाड़ी। गाइस सुनसान सड़क पे मैं और अंकल जी, भाई अंकल जी तो मतलब बैलगाड़ी से चल रहे, मैं पैदल चल रहा हूँ अंकल जी के साथ साथ बात करते करते। और ये भाई सच में इतना प्यारा लग रहा ना, एकदम कुछ भी मतलब इतना सुकून आ रहा है सिर्फ मतलब इसके पैरों के आवाज़। और भाई मैं चल रहा हूँ, अंकल जी चल रहे हैं, और इसको देखो जरा, हाय कर दे तू भी। भाई सीरियसली बताऊँ, नज़ारा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं लिफ्ट लेके भी जा सकता था क्योंकि गाड़ियाँ कभी कभी आती हैं, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा दूर अंकल के साथ पैदल जाता हूँ, मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और इसके साथ भी चलने में तो मतलब कभी कभी होता है ना कि ये सब का मतलब मज़ा हमेशा नहीं मिलता है भाई, तो मैं सोचा कि कुछ दूर पैदल ही चलता हूँ इनके साथ। अभी मैं पैदल ही जा रहा हूँ, इसको देख रहे हो इतना आराम आराम से चल रहा है भाई। अगर इससे फास्ट चलूँ ना तो मैं इससे फास्ट चलूँगा, लेकिन ये बहुत स्लो चल रहा है ना अंकल जी, बहुत स्लो चल रहा है ना ये। आप यही ब्रास से ही हो? नहीं, आप रहा पे रानी माजरा। अच्छा सही है, आप अंकल जी खाद लेकर जा रहे हैं अभी। आपका खेत कहाँ पे है? आगे। सही है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, अकेले में सुनसान रास्ता है, मैं और अंकल जी और ये बैल, बहुत कम देखने को मिलता है भाई आजकल ये। यहाँ का नजारा देख के गाँव की याद आ रही है भाई, क्या मतलब नजारा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और गांव का सुकून देख लो, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, सिर्फ बस चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और कोई भी नहीं है, बस एक आध गाड़ी जा रही है कभी कभी, मतलब जब किसी को जाना रहता है तो भाई वो आता है जाता है। लेकिन अभी देखो पूरा रास्ता खाली है, और वो बैलगाड़ी पे मैं सोच रहा था बैठने के लिए, बट अंकल जी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता भाई उसकी सवारी करने में। सो ये यहाँ का नज़ारा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है भाई, ये देखो। अब यहाँ से कोई गाड़ी आएगी तो मैं लिफ्ट लेके हाईवे तक पहुँचूँगा, हाईवे यहाँ से लगभग रहेगा 5 से 6 किलोमीटर। सो देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपने देखा मेरे को एक कार में लिफ्ट मिली थी और मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे, और जिस हाईवे पे मैं हूँ वो है NH 44 जो कि भाई कश्मीर से कन्याकुमारी को मिलाता है। और यहाँ से सबसे पहले मैं जाऊँगा अम्बाला, यह है हाईवे का नज़ारा और ये है NH 44। अभी यहाँ से मेरे को चलना है अम्बाला, अम्बाला यहाँ से बचा है 38 से 40 किलोमीटर, 38 किलोमीटर मैप में दिखा रहा है, और जो भी होगा वहाँ पे पहुँचते हैं अम्बाला, अम्बाला से फिर देखेंगे भाई कहाँ पे हमको जाना है, लोकेशन जहाँ पे मैंने मतलब सेलेक्ट किया जो जो जगह, उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ से लिफ्ट लेते हैं गाइज, मैंने ट्रॉफी खा रखी है, मुँह से पूरा पानी आ रहा है। सो चलते हैं गाइज लिफ्ट लेते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं अम्बाला। ट्रक रुकी है भाई, ये देखो जो कि मतलब बहुत बड़ा ट्रक है भाई, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे ये। वैसे तो अम्बाला तक तो जाएंगे ही क्योंकि मतलब अम्बाला पार ही कर जाएंगे। कहाँ तक जा रहे हो भाई? अम्बाला। ओके अम्बाला तक लिफ्ट मिल गई है गाइस, चलते हैं भाई, थोड़ा उधर हो जाएंगे। ओके ओ शिट, ये कैमरा पकड़ लेंगे जरा। ओ कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं तो यहीं पे था। अच्छा, तो गाइस अम्बाला तक की लिफ्ट मिल गई है, और ये भैया ने लिफ्ट दिया, भैया नाम क्या है आपका? रोहित। रोहित, और आपका? जी मंगल। मंगल, ओके। आप कहाँ से हो? यूपी से।
मैं भी यूपी से। आप यूपी से कहाँ से? बस्ती। बस्ती, मैं यूपी इटावा। इलाहाबाद। इटावा, इटावा। अच्छा इटावा, ओके। तो गाइस यार भैया अभी यूपी से है, चलो अम्बाला तक की लिफ्ट मिल गई है। अम्बाला यहाँ से कितना दूर रहेगा? अम्बाला यहाँ से देखो होगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। तो भाई अम्बाला 40 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था कि 38 से 40 किलोमीटर है। तो अभी अम्बाला पहुँच के उसके बाद मिलते हैं आपसे। जब गाइस लिफ्ट ले रहा था तो पता नहीं था कि मतलब ये गाड़ी रुक जाएगी, और भाई गाड़ी रुक गई थी। अभी मैं इसमें बैठ चुका हूँ और अभी हम लोग जाएंगे भाई कुरुक्षेत्र। डिसाइड हो गया मैंने भाई, डिसाइड किया कि मतलब पहले कुरुक्षेत्र चलते हैं, क्योंकि जब आने के टाइम पे मैं अम्बाला में एक दिन रुका था तो अम्बाला में उतना कोई खास जगह नहीं है जहाँ पे मतलब घूम सकूँ। तो सबसे पहले चलेंगे कुरुक्षेत्र, उसके बाद जाएंगे करनाल, ऐसे ही एक एक करके आपको पूरा हरियाणा घुमाएंगे। और अभी चलते हैं फिलहाल भाई। और ये जो मतलब ये वाली गाड़ी है ना, ये गाड़ी का मतलब इंटीरियर इतना लग्जरी रहता है भाई, इसमें बैठने में ही मज़ा आ जाता है। ये पूरा आप लोग देख सकते हो, इसका इंटीरियर ही एकदम मतलब हैवी वाला रहता है, बहुत मज़ा आता है इसमें बैठ के। चलते हैं पहले कुरुक्षेत्र, उसके बाद भाई वहाँ पर मिलते हैं। तो गाइज हम लोग एंटर कर चुके हैं हरियाणा में। पीछे भाई बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब उतना कोई खास नहीं है, बस मतलब ऐसे ही बैरिकेडर लगाए हैं और दो तीन पुलिस वाले बैठे रहते हैं। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं हरियाणा में। और गाइज अब से हरियाणा का व्लॉग आएगा, पंजाब का लास्ट दिन था आज, पंजाब को बाय बाय बोलते हैं और हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में आपको पूरा हरियाणा घुमाते हैं। अभी यहाँ से जो अम्बाला सिटी है वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर बचा रहेगा, 10 किलोमीटर तो नहीं, 5 किलोमीटर तो बचा रहेगा। और ये जो ऊपर का ये भाई आपको फ्लाईओवर दिख रहा है हाईवे, ये सीधा जाएगा चंडीगढ़, ये सीधा रोड चंडीगढ़ जाता है, शिमला जाता है। और अभी हम लोग सीधा जाएंगे, उसके बाद पहुंचेंगे मतलब अम्बाला सिटी में। अम्बाला सिटी के बाद उसके बाद मैं जाऊंगा कुरुक्षेत्र, उसके बाद वहां पे रुकूंगा। कुरुक्षेत्र अभी यहां से 50 किलोमीटर होगा। तो अभी चलते हैं भाई धीरे धीरे, टाइम तो अभी है अपने पास लेकिन धीरे धीरे निकलना है। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ कुरुक्षेत्र। और गाइस आज बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा थोड़ा धूप निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और अभी जहाँ पे मेरे को जाना है भाई कुरुक्षेत्र में, आपको पता ही है कि सबसे बड़ी लड़ाई महाभारत हुई थी। तो गाइज लगभग हाईवे से 8 किलोमीटर पैदल आने के बाद भाई मैं जाके पहुंचा हूँ श्री कृष्ण म्यूज़ियम के पास। और ये म्यूज़ियम है, अंदर का नज़ारा भाई इतना प्यारा है, मतलब जितना भी मतलब जो युद्ध हुआ था पूरे मतलब महाभारत का, अंदर म्यूज़ियम में पूरा मतलब उसको एकदम बढ़िया से अच्छे से मतलब फ़ोटो से और मतलब एकदम मतलब जैसे मतलब हुआ था वैसे वैसे पूरा दर्शाया गया है। अंदर ना कैमरा मतलब वीडियो अलाउड ही नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते। और ये है म्यूज़ियम, आपको दीवार पे भाई देखो फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। और जो मतलब अलग अलग तरह से ये भाई देखो रथ पे मतलब फ़ोटो मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है श्री कृष्ण और अर्जुन का। तो ये है म्यूज़ियम, यहाँ पे मतलब अंदर जाके भाई काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे देखो एक श्री कृष्ण की वो है मूर्ति बनाई गई है और नंदी भी है साथ में। और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है गार्डन का, मैं आपको थोड़ा और भी घुमाता हूँ पूरा अच्छे से चारों तरफ। यहाँ पे देखो भाई दीवार पे कितना अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है, इसमें तो मैं पहचान नहीं पाऊँगा भाई कौन है, लेकिन ये देखो ये मूर्ति है। और ये मतलब ऐसे ये पूरा म्यूज़ियम बनाया गया, अंदर भाई काफ़ी प्यारा नज़ारा है, आप लोग को देख के मतलब सच में मतलब बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन अंदर वीडियो अलाउड ही नहीं है, मैंने पूछा भी था कि मतलब मोबाइल से ही बना सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है भाई, मेरे को पता है मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेस रहता है उधर पे मतलब कैमरा तो नहीं अलाउड रहता है। मैं बहुत जगह मतलब जा चुका हूँ, कैमरा नहीं अलाउड रहता, फिर मैंने पूछा, पहले ही बात कर लिया। और 30 रुपये टिकट लगते हैं इसके, मैंने पहले ही बात कर लिया था कि मतलब अगर मोबाइल से बनाना चाहें तो बोले कि मतलब अंदर वीडियो अलाउड ही नहीं है। सो मैं वहाँ से भाई निकल के आया, उसके बाद पहले अंदर देख के आया, फिर उसके बाद बाहर आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और 8 किलोमीटर पैदल चल के आने के बाद भाई यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये है भाई मतलब श्री कृष्ण मतलब म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम है भाई। और वहाँ पर है कुरुक्षेत्र पैनोरम एवं विज्ञान केंद्र, वो वहाँ पे है, वहाँ पे भी अंदर वीडियो मतलब अलाउड नहीं है। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र, और इंग्लिश में लिखा हुआ भाई कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। तो ये यहाँ का कुछ नज़ारा है, देखो गार्डन बनाए गए हैं। और ये भाई यहाँ का नज़ारा है, अंदर जाके आपका सच में दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ दीवारों पर जो मतलब यहाँ की अच्छी खासी मतलब स्ट्रक्चर दीवार पर बनाई गई है। ये देखो मैंने पूछा कि मतलब बाहर बाहर से वीडियो बना सकते हैं, तो बोले कि हाँ बाहर बाहर से बना सकते हो, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, बट अंदर का मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये यहाँ पे दीवार पे मैं आपको दिखाता हूँ, म्यूज़ियम के चारों तरफ दीवार पे ये देखो पूरा जो मतलब युद्ध का जो है ना सब कुछ दर्शाया गया भाई, एकदम स्ट्रक्चर बना के ये आप लोग देख सकते हो चारों तरफ दीवार के।
ये देख लो। और यहाँ पे भाई ब्रह्मा सरोवर भी है, मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगा घुमाने के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मैं यही सोच रहा था भाई कि म्यूज़ियम बंद ना हो जाए। यहाँ पे भी देखो एक मूर्ति है, ये अगर आपको मतलब कोई पहचानता है तो भाई कमेंट में बताना किसकी मूर्ति है। ये देखो ये यहाँ का नज़ारा है भाई। पीछे के साइड यहाँ पे कुछ नहीं है उतना देखने लायक, अगर आपको मतलब मैं सीरियसली बताऊँ तो मतलब देखने के लिए अंदर ही चीज़ बहुत मतलब अच्छी अच्छी है। अंदर जाके आपको अगर कोई आता है भाई ये देखने के लिए ना, अंदर जाके आपको बहुत मतलब अच्छा है देखने को मिलेगा, जो जो भी मतलब महाभारत में हुआ था पूरा अंदर दर्शाया गया है। सो अंदर वीडियो अलाउड नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। और ये यहाँ का भाई कुछ गार्डन है, अब मैं ले चलूँगा आपको थोड़ा सा सिटी घुमाऊँगा और ब्रह्मा सरोवर दिखाऊँगा और यहाँ से फिर निकलेंगे। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, क्या कर सकते हैं। मैं तो अंदर जाके आया भाई क्योंकि मेरे को पता था, मैं बहुत सी जगह रहता है भाई मतलब जहाँ पे दो मतलब जैसे कोई और जगह रहती है तो वहाँ पे नहीं जाता हूँ जब मतलब वीडियो अलाउड नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे आया, मैंने 30 का टिकट लिया था और अंदर गया, देख के आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने को मिला अच्छा चीज़। यहाँ पर एक मतलब वो है फव्वारा जो कि मतलब रात को चलता रहेगा लाइटिंग के साथ, काफ़ी प्यारा लगता रहेगा। अब यहाँ से निकलते हैं भाई हम लोग धीरे धीरे। म्यूज़ियम के बाहर आ गए हैं गाइस। और आपको एक बात बता दूं भाई, आप सभी को मतलब पता होगा कि जो मतलब महाभारत हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, लेकिन इसी जगह पर हुआ था ये मतलब ये नहीं पता कि मतलब जहाँ पर म्यूज़ियम है वहीं पर हुआ था, वहाँ पर म्यूज़ियम बनाया गया है। और एक बात और, एक मतलब जगह है ज्योतिसर जहाँ पे मतलब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, वो जगह अभी भी है। और वो जिस मतलब वृक्ष के नीचे दिए थे मतलब उपदेश, वो वृक्ष भी है ये, वो यहाँ से मतलब लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। सो वो वहाँ अभी भाई कल जाएंगे देखेंगे, और वो जगह अभी भी मतलब है, मैंने पूछा। तो गाइस अभी देखो सिटी में जाने से पहले मैं आपको लेकर आ गया हूँ भाई ब्रह्मा सरोवर दिखाने के लिए। ये भाई है ब्रह्मा सरोवर, लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसमें स्नान किया था मतलब नहाया था। सो ये है भाई ब्रह्मा सरोवर जो कि काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस इसके चारों तरफ से ऐसा मतलब वो बनाया गया है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ सामने का नज़ारा। यहाँ से भाई एंट्री होती है, मतलब एंट्री वहाँ से होती है बीच से, वहाँ पर देखो मंदिर भी है और वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर भाई सब लोग जाते हैं दर्शन भी करते हैं। और ये मतलब ऐसा व्यू पॉइंट बनाया गया है, यहाँ पर एक वहाँ पे है एक यहाँ पे है, ऐसा मतलब चारों तरफ बनाया गया है। सो ये नज़ारा देख लो भाई जो कि मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, और सनसेट का टाइम हो रहा है ना तो और भी प्यारा लग रहा है भाई, देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। ये ब्रह्मा सरोवर है गाइस। और अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा भाई सिटी में, थोड़ा सिटी का नज़ारा दिखाऊंगा, उसके बाद रहने के लिए कहीं जगह देखेंगे। सो उसके बाद फिर कल यहाँ से कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। यहाँ पे आ चुके हैं गाइस अंबेडकर चौक, यहाँ पे देखो अंबेडकर जी की स्टेचू बनाई है। और भाई पीछे एक बैल आ रहा है, अभी तो ये मेरे को उठा के फेंक देता गाइस, बहुत तगड़ा मारता, मैं वहाँ से भाग लिया। टेम्पो वाला पीछे से हॉर्न बजा रहा था और मैं सामने से चल रहा था। ये यहाँ का नज़ारा है भाई, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, ये चौक है। सो यहाँ से आप लोग नज़ारा देख सकते हो। एंड भाई यहाँ पे ज़्यादातर ना धर्मशाला बहुत है यहाँ पे, क्योंकि लोग मतलब आते हैं यहाँ घूमने के लिए तो रुकते हैं, सो यहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत है। और ये भाई यहाँ का नज़ारा है, बाकी का आपको कल घुमाएंगे जब यहाँ से निकलेंगे। अगर कोई भी एक दिन में घूमना चाहता है कुरुक्षेत्र तो एक दिन में नहीं घूम पाएगा, क्योंकि यहाँ पे घूमने वाली बहुत प्लेसेस हैं ऐसे मतलब धार्मिक प्लेसेस। सो अभी चलते हैं गुरुद्वारे में आराम करते हैं, क्योंकि मेरा सर थोड़ा दुख रहा है भाई, तो वहाँ पर चल के आराम करते हैं और कल यहाँ से निकलेंगे कहीं और दूसरी जगह, हो सकता है करनाल जाएँ क्योंकि करनाल यहाँ से भाई नज़दीक है। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइस।